हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेबी के डैडी व्लॉग में। तो आज हमें जाना है हमारे रोलर को लेके सोमनाथ वाली साइड पर। सुबह 6 बजे करीब फ़ोन आ गया कि आपको जाना है आपके रोलर को लेकर वहाँ सोमनाथ। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर, सोमनाथ वाली साइड पर। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं हमारे प्लांट पर, जहाँ से हम जाएंगे सोमनाथ। ये देखिए यहाँ पर सभी ऑपरेटर खड़े हैं, और ये हमारा प्लांट है, यहाँ पर सभी काम यहीं पर होता है। और देखिए हाइड्रा जा रहा है अभी काम पर, और हम भी जा रहे हैं इसी गाड़ी में बैठकर अभी सोमनाथ की साइड पर। दोस्तों ये रास्ते में एक और दूसरी साइड है हमारी, जहाँ पर बड़ा काम चल रहा है और नदी पे ब्रिज बन रहा है, तो यहाँ पर गडर लॉन्चिंग हो रहा है। तो बड़ी बड़ी क्रेन आई हुई है और अभी गडर लॉन्चिंग का काम चल रहा है यहाँ पर भी। यहाँ से हाँ उधर जाती आती है। हाँ और दोस्तों हम जहाँ साइड पे जा रहे हैं वहाँ दो फावड़े की ज़रूरत थी, तो हमने सोचा कि रास्ते में से ही ले लेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं फावड़ा लेने के लिए। तो दोस्तों हमने फावड़ा ले लिए है दो, और इसी गाड़ी में रख के हम वापस जाएंगे साइड में। दोस्तों हम पहुंच गए हमारी साइट पर। तो ये देखिए ट्रैक्टर में हमारा रोलर भी लोड हुआ पड़ा है। हम इधर तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए अपनी साइट पर, और अभी हाइड्रा तो है नहीं, तो हमें कहीं रैंप से उतारना पड़ेगा अपना रोलर। तो हम ढूंढ रहे हैं अपने ट्रैक्टर है उसमें लोड है, तो वहीं पर कहीं रैंप ढूंढ रहे हैं, तो उसी के लिए हम निकल पड़े। अगर रैंप मिल जाएगा तो हम उतार देंगे अपना रोलर, रोलिंग करना है अपने को। नहीं ये थोड़ा कम पड़ता ना, इसकी हाइट उसके ट्रैक्टर के लेवल में नहीं आती। ये देखिए ट्रैक्टर जा रहा है रोलर को लेके ब्रिज के नीचे, जहाँ पर नदी है वहीं पे अनलोड करेंगे हम अपना रोलर। आगे देखिए वीडियो में।
आराम से। आने दो पीछे आने दो और ऐसे 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 तो दोस्तों हमने हमारा रोलर ट्रैक्टर से नीचे उतार दिया है और हम जा रहे हैं ब्रिज के ऊपर जहाँ पर रोलिंग करना है हमें। यहाँ पर हमारा सुपरवाइजर है जो रास्ता बंद था तो हमारा रोलर के लिए वो रास्ता खोलने के लिए वहीं पर खड़े थे। दोस्तों यहाँ से अपना रोलर नीचे उतारना है तो यहाँ से अभी रैंप सही नहीं हुआ तो रोलर ऊपर से चढ़ नहीं पा रहा, तो अभी बहुत ट्राई करने की वजह से कुछ दिक्कत हो गई है तो और हमें साफ करवाना पड़ेगा, रैंप अच्छा बनवाना पड़ेगा। और यहाँ पर हमने जहाँ रोलर चलाना है वहाँ पर बेड है, वहाँ पर ये लोग ड्रेसिंग कर रहे हैं। अगर अच्छे से ड्रेसिंग कर लेंगे तो रोलिंग भी बढ़िया एकदम अच्छे से होगा। चलेगा आराम से। फाइनली दोस्तों 2 घंटे लगातार हमने रोलिंग करने के बाद अभी खाना आया है तो हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। चलिए मिलते हैं खाना खाने के बाद।
फाइनली गाइस रोलर हमारा निकल गया है प्लांट की ओर, हम भी जाते हैं प्लांट पे इस गाड़ी में बैठ के। तो चलिए हम जाते हैं और मिलते हैं किसी नए व्लॉग में।